हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं व्हेन यू सी योर फेस, जो कि एक चाइनीज ड्रामा है और इसके टोटल 15 एपिसोड्स है। पर एपिसोड आपको 40 से 45 के बीच में देखने के लिए मिल जाएगा और इसको जा कर के आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा, खुद से ढूंढना पड़ेगा ये ड्रामा को। यूट्यूब की गाइडलाइन की वजह से मैं बता नहीं पाऊंगा कि ये ड्रामा कहाँ पर मिलेगा, पर आप लोग जा कर के इसको ढूंढो और आपको मिल जाएगा। इसमें आपको रोमांस और कॉमेडी देखने के लिए मिल जाएगा। और इसका स्टोरी के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इसका डबिंग के बारे में बात करते हैं। इसका डबिंग ठीक ठाक किया गया है, जो मेन मेन कैरेक्टर्स है, मतलब समझो अपना हीरो और हीरोइन, उसका ठीक है। और बाकी जो अदर कैरेक्टर्स है, जो साइड कैरेक्टर्स है, उसका डबिंग काफ़ी बेकार किया गया है। मतलब एक चलने जैसा किया गया है कि आपको देखकर ठीक जैसा लगेगा, पर उतना खास नहीं किया गया। इसी मेन कैरेक्टर के ऊपर ही ज़्यादा फोकस किया गया। प्लस इसका स्टोरी तो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश स्टोरी है और इसका क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया गया। क्वालिटी में नो डाउट इसका क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो बात करते हैं इसके स्टोरी के बारे में। तो एक लड़की होती है जो पैदाइशी जो ब्लाइंड होती है, मतलब उसको चेहरा दिखता नहीं है किसी का, बाकी सब चीज़ें दिखता है। तो काफ़ी ज़्यादा उसको प्रॉब्लम से बचपन से लेकर के बड़े होने तक उसको प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। और उसका कॉलेज लाइफ में काफ़ी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है, जो उसकी एक फ्रेंड्स होती है वो हैंडल करती है कुछ चीज़ें। और उसको मालूम रहता है कि इसको एक प्रॉब्लम है। और एक लड़का जो होता है, जो अपना हीरो होता है, फिर उसको दो तीन बार जो होता है बचाता है, पर उसको थैंक यू नहीं बोल पाती है क्योंकि उसको दिखता नहीं कि कौन लड़का था। और लड़का बार बार उसको जताता है, बताने की कोशिश करता है कि मैं वो लड़का था, पर उसको पहचानने से इनकार कर देती है। प्लस बाद में आगे जा कर के होता यह है कि दोनों जन एक फ़ोटो शूट कोरियोग्राफी में कैसे ज्वाइन होते हैं और उसके बाद कैसे दोनों मिलते भी हैं। और जब वो लड़का को पता चलता है कि ये लड़की ब्लाइंड है, तो कैसे क्या क्या होती है, और कैसे बात में जा कर के ट्विस्ट आता है कि इस चीज़ में क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप लोग जा कर के आप लोग देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा आपको इसमें मज़ा आएगा। मेरे हिसाब से एक फ्रेश ड्रामा है जो आप लोगों को देखनी चाहिए। प्लस इसका डबिंग ठीक नहीं है, लेकिन आप लोगों को देख कर के मज़ा आएगा। लेकिन इसमें जो मेन मेन कैरेक्टर का है, तो वो उसका डबिंग अच्छा किया गया है, जिसकी वजह से आपको मज़ा आएगा। प्लस इसका 15 एपिसोड है, तो 15 एपिसोड में आपको एक दो एपिसोड ऐसे आएंगे जो आपको थोड़ा मज़ा नहीं आएगा। प्लस उसके बाद का जो एपिसोड रहेगा, क्योंकि जब आधा तक आप जाओगे, उसके बाद जो ट्विस्ट आता है उसमें आपको मज़ा आएगा देखने के लिए, कैसे क्या क्या चीज़ें बदलने लग जाती है और कैसे क्या क्या होता है। वो लड़का जो होता है उसको पहले से जानता है, बचपन से जान रहा होता है कि नहीं जान रहा होता है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। और वो लड़के को बार बार एक ही चीज़ याद आती रहता है, उसका बचपन वाला जो भी एक्सीडेंट होता है उसको बचपन से रिलेट कर पाता है। तो आपको इसमें ज़्यादा ही मज़ा आने का आएगा आगे चल करके। तो आप लोग इसको जा करके देख सकते हो। बाकी तो प्लेटफॉर्म कहाँ पे मिलेगा वो तो आप लोगों को ढूंढना है, क्योंकि यूट्यूब के गाइडलाइन को जैसे मैं नहीं बता पाऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे नए नए वीडियो के लिए। मेरे साथ बने रहो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में।